5 में से 5 फुल मार्क्स, 5 में से 10 मार्क्स फुल मार्क्स। बहुत अच्छी मूवी और मेरे हिसाब से सबको जाना चाहिए मूवी देखने। एक्चुअली तो हिस्ट्री जो बतानी चाहिए थी वो बताइए, बस लोग ऐसे हिंदुइज्म से ना जोड़े तो अच्छा रहेगा, तो हिस्ट्री रहेगी नहीं तो वो फिर बिगड़ जाएगी। एक नंबर रहेगा, बिल्कुल बहुत शानदार, अजय फैंस बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मूवी है, सबने बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया, सुपर हिट। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी ऐसी पिक्चर, बहुत सुपर है, सुपर डुपर मस्त मूवी, बिल्कुल देखना चाहिए, मस्ट वॉच, वाज अ नाइस मूवी ओवरऑल, बहुत अल्टीमेट मूवी है सर, बहुत अच्छी लगी, बहुत शानदार मूवी है, काफी अच्छी मूवी थी और जो 3D इफेक्ट्स थे वो भी बहुत अच्छे दिए गए हैं, और जो ताना जी की लाइफ थी मैंने गूगल भी पढ़ा था, जिस हिसाब से गूगल में पढ़ा था उससे ज़्यादा बताया गया, और काफ़ी अच्छा तरीके से डायरेक्शन है, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत शानदार मूवी थी। अजय देवगन का काम बहुत जोरदार है, सभी अच्छे लगे, सभी बहुत अच्छे, अजय सर बेस्ट है, अल्टीमेट, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से पुराने जमाने में कैसे वॉर होती थी पूरा दिखाया है, बहुत गजब का। अजय देवगन सैफ अली खान दोनों की बराबर की टक्कर थी, पर जीतना तो हीरो का ही है, सबके अच्छे, अजय देवगन, सैफ अली खान, काजोल, सबके बहुत बढ़िया है। अजय देवगन ने एक नंबर काम किया है, सैफ अली खान ने भी अपने रोल में बहुत बढ़िया काम किया है, और सुपर मूवी, मूवी में जो कुछ भी रहता है उसका स्क्रीन प्ले, उसका प्रेजेंटेशन, एक भी जगह पर मूवी आपको बोर नहीं करेगी, जो 3D इफेक्ट्स हैं वो बहुत बहुत शानदार हैं, डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तगड़ा है उसका, म्यूजिक वाज गुड, इफेक्ट्स वर सो गुड, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एक्शन वाज फैब, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बेस्ट था, रा 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 रा। 4 5 में से 5 फुल मार्क्स, 5 में से 10 मार्क्स फुल मार्क्स, 4.5 5 में से 4.9 5 में से 4.7 5 एक बार और देखने लायक है।